सो आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा मेरा जिस्पा तक का सफ़र। तो अब होगी सोलो कैंपिंग। जी हाँ, जिस्पा में सोलो कैंपिंग। वैसे एक चीज़ जिस्पा में ये ख़राब हो गई है कि रिवर साइड में आप कैंपिंग नहीं कर सकते हो। कैंपिंग कर सकते हो बट आपको अपना बाइक बाहर साइड में रख के जाना पड़ेगा। थोड़ा रिस्की मैटर हो जाता है कि लगेज को इतना दूर लेके जाना अकेले अगर सोलो रहे तो इसीलिए यहाँ पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है हिमालयन मॉन्क नाम से एक प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे कैंप का। तो इनसे बात करके मैं अपना टेंट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ऐसे बहुत जगह बात किया, सब मना कर दिए। यहाँ पे भैया ने कहा कि तुम बाइक लगा सकते हो, बाकी उधर जाके अपना टेंट लगा सकते हो। फिर उसके बाद मैं आया, बोला ठीक है भैया बाइक यहाँ पे लगाता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद भैया बोले ठीक है, वहाँ पे जगह दे दिए अपने यहाँ पे कि लगा लो अपना कैंप। अब होगी सोलो कैंपिंग इन जिस्पा। चलो पहले टेंट लगा के आता हूँ, बाकी लगेज उसके बाद उतारूंगा। ये वाली जगह मिली है कैंपिंग करने के लिए, करते हैं, आपको दिखाते हैं जगह। तो देखो उधर में सारे कैंप्स है और यहाँ पे एक खाली जगह था, तो भैया ने कहा यहाँ पे अपना टेंट सेटअप कर सकते हो। चलो बढ़िया, अब होगी बढ़िया वाली कैंपिंग, सोलो कैंपिंग इन जिस्पा। टेंट तो मैंने सेटअप कर लिया, अब लगेज लेके आते हैं और मजा आएंगे ब्रो। यार सामान तो अपना पूरा लेके आ गया, अब सामान अंदर कर लेता हूँ। रात के 8 बजने को है, भूख बड़ी जोर की लग रही है, खाना बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं सबसे पहले बिस्किट खा लेता हूँ, एनर्जी रहे, उसके बाद खाना बनाऊंगा। कैंप तो तैयार हो गया, अब कुछ कुछ सामान लेने जाते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे नमक नहीं था और कुछ अंडा उंडा ले लेते हैं यार। यहाँ पे अंडा लेने आया और खोज रहा था नमक तो पैकेट नहीं है, प्याज और टमाटर भैया को बोला, भैया के पास टमाटर नहीं था लेकिन भैया ने एक प्याज और एक नमक दे दिया, बस अंडा का पैसा लिया, बोलते हैं बस मैं अंडा का पैसा लूँगा, थैंक यू भैया। यहाँ पे ले लेते हैं, अब चलते हैं। तो यार कैंपिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा ना बॉस। चलो अब खाना बनाने का जुगाड़ करते हैं, सबसे पहले अपना सारा सामान निकाल लेते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपको दिखाते हैं। अभी देखो कैंपिंग का सारा सेटअप तैयार कर लिया है, अब सब कुछ निकाल रखा है। सोलो कैंपिंग का अलग ही मजा है, बाकी दो भैया यहाँ पे आए साइड में बैठे हुए हैं तो उनसे भी बाद में मिलाएंगे, पहले अपना जुगाड़ तैयार करने लग जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो गई है। प्याज पहले काट लेते हैं यार। चलो आप बनाओ, हम थोड़ा सा चक्कर लगा। ठीक है ठीक है। हाँ। एकदम हाँ, ये सोलो कैंपिंग की जो मजा है ना कहीं नहीं मिलेगी बॉस, कहीं नहीं। सोलो कैंपिंग करो, ग्रुप कैंपिंग करो, कैंपिंग की जो मजा है वो आपको दूसरे कहीं नहीं मिलेगी। अलग ही लेवल का सुकून है भाई, सच बता रहा हूँ, अलग ही लेवल का सुकून है। प्याज तैयार, इसको रेडी कर लेता हूँ अपना ब्यूटेन गैस।
टमाटर भी काट ही लेता हूँ। भाई अपने अंडे पक रहे हैं, मस्त टमाटर और प्याज के साथ अंडे बना रहा हूँ और बाकी राइस और अंडा खाया जाएगा। मस्त मज़ा आ रहा है, इधर दिखाता हूँ। आहा हा लाइट ला के दिखाता हूँ यार, ये देखो मज़ा आ रहा है ना बॉस, बताना। खाना तैयार है और मैंने चावल ले लिया यहाँ से, यहाँ पे भैया ने कहा कि चावल ले सकते हो, मैंने कहा ठीक है अब परोस लेता हूँ। यार अपना खाना खुद ही परोसना पड़ेगा, कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं कि जब परोस के देगी। है कि नहीं भैया? इधर अपना रेडी है चावल भुजिया और भैया ने रोटी भी दे दिया। और इधर ये भैया आपको नहीं दिख रहे होंगे लाइट में, कहाँ से बता दीजिए भैया? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली रोशन है। और आप? मैं भी दिल्ली से हूँ, नाम सुनील है। तो चलो ये दोनों भैया साथ में बैठे हैं। भैया को मैंने कहा टेस्ट कीजिए भैया कैसे बनाया, तो भैया बोलते नहीं नहीं खाया हुआ हूँ, तो मैं खाता हूँ फटाफट। खुद बना के खाने के अलग ही सुकून होती भाई, अलग ही लेवल की टेस्ट होती है, मजा आ गया। मुझे नहीं लगा था इतना बढ़िया बनेंगे। टेस्ट कीजिए ना भैया। चलिए चलिए। देखो खाना हो गया, अब आप कभी भी कैंपिंग कर रहे हो एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे कैंपिंग कर रहे हो वो जगह कचरा नहीं करना। तो जो मैंने प्याज व्याज काटा है डस्टबिन में जाके डाल दूंगा, तो ये जरूरी है आप नेचुरल प्लेस में आओ तो उसे कचरा ना करो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसके बाद धो लेते हैं, धोने अभी जरूरी है, धो के सब निपटा लेंगे ताकि कल दिक्कत ना हो। दो बोतल पानी है उसी में हो जाएगा, कैसे होगा आपको दिखाता हूँ। खाना पीना तो हो गया बॉस, अब वक्त आ गया सब कुछ समेटने का, अब फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं ताकि सुबह में ज़्यादा दिक्कत ना हो, नहीं तो अभी नहीं समटूंगा तो सुबह में बहुत दिक्कत होती है। मैंने धो लिया, आपको दिखा दिया धोने का, और ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, हाथ कांप रहे, कल से और ठंड लगेंगे। खाना पीना तो हो गया, अब मस्त सो जाता हूँ और कल उठ के गेम बजाता हूँ। The next morning. भाई यार 3 बजे से मेरा नींद खुल गई थी और अभी बज रहे सुबह के 4, ठंड में हालत खराब है, लिटरली हालत खराब। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रही है, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट 2 डिग्री ड्रॉप करना, आप समझ रहे हो। बाहर निकलने का हालत में नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ जैकेट पहनूँ तो पहनूँ कैसे अभी यहाँ से निकल के स्लीपिंग बैग से। बाकी अभी सबसे पहले इनर पहन लेना पड़ेगा, फिर देखते हैं सो जाते हैं कि बाहर निकलते हैं और
नदी का जो नेचुरल साउंड है, लाजवाब भाई, एकदम लाजवाब आ रही है। और मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर आप भी कैंपिंग का मजा लेना चाहते हो तो ये सब झेलने के लिए रेडी रहो। सुबह के 5 बजने में 15 मिनट बाकी है और पूरा जिस्पा सोया हुआ है। और मैं उठा ऐसे 3 बजे, नींद खुल गई थी 4 बजे से। भाई मैं सोचा उठू ना उठू, फिर सोचा उठना तो है बॉस, बाहर का नज़ारा एंजॉय भी तो करना है, बाकी ठंड अपनी जगह, इंजॉयमेंट तो करनी है बॉस। अब देखो इधर अपना टेंट पीछे और उधर पहाड़ जहाँ पे बर्फ, देखने में मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा बाहर इंजॉय करते हैं, उसके बाद जाके फिर मस्त सो जाऊंगा। कैमरा वो सारी चीज़ नहीं बता पा रही जो चीज़ मैं नेकेड आई से देख रहा हूँ। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुबह हो गई है पूरा। अब मैं आपको टाइम पहले दिखाता हूँ, टाइम हो गया है 5:56 और अभी फ़िलहाल मैंने अपना पावर बैंक और ड्रोन का बैटरी चार्ज में बैठा दिया अंकल को वहाँ पे। अंकल ठंड लग रही है यार, अंकल वहाँ पे जैसे निकले, मैं बहुत देर से घूम रहा था कि कब मौका मिले, जैसे देखे कि अंकल निकले हुए, उठ गए, तुरंत जाके बैठा दिया। सुबह हो गई है, सुबह का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखा दे, क्या सुंदर व्यू है, क्या सुंदर वाइब है। और उसके बाद मस्त सो जाते हैं 2-3 घंटा, क्योंकि रात में 3 बजे के बाद और सोया ही नहीं हूँ मैं। अब सब जग रहे हैं और मैं सोने जा रहा हूँ। चलो चलो, बाय 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 बाय। 2 hours later। अभी टाइम लगभग 8 हो चुके हैं और मैं उठ के अब ब्रश करना बाकी है। ब्रश करके कहीं कुछ नाश्ता करके निकल जाना। और एक फिर सदमे वाली न्यूज़ आ रही है, लास्ट 2 ईयर्स पहले जो हुआ था उसी जैसा। कौन सा हुआ था आप बताओ कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मूड ऑफ होगा तो अभी और ज़्यादा एडवेंचर करेंगे, समझ लो। कमेंट में बताओ क्या होने वाला है। अगर बारालाचला खुला नहीं रहा तो, बारालाचला खुला रहा तो फिर बढ़िया है, ले के लिए निकलेंगे। अदरवाइज लास्ट टाइम जो मैं जम्मू श्रीनगर होते हुए 1200 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया था, क्या वो करना है या कुछ और करूँगा, कमेंट में बताओ। आप लोग जानते हो कि नहीं, बाकी ब्रश कर लेते हैं, फटाफट समेटते हैं। कभी कभी ऐसे अकेले में मैं सोचा करता हूँ, काश मेरे पास भी घूमने के लिए कोई ट्रैवल ग्रुप होता, काश मेरे पास भी ट्रैवल दोस्त होते तो मैं ऐसे अकेला ना घूम रहा होता। बट अभी अभी मुझे travelwithdost.com के बारे में पता चला और अब से मुझे अकेले घूमने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे 25,000 से 50,000 दे के कोई ट्रैवल ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत है, क्योंकि travelwithdost.com में अब मुझे अपने नियर बाई सिटी और स्टेट से मुझे ट्रैवल फ्रेंड मिल जाएंगे
घूमने के लिए। तो travelwithdost.com बहुत सारे ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है, ऐसे लद्दाख राइड के लिए भी बुकिंग ओपन है, जहाँ पे आपको अपने नियर बाय सिटी और स्टेट से आपको ट्रेवल फ्रेंड मिल जाएंगे, जिनके साथ आप लद्दाख राइड इंजॉय कर सकते हैं, एक ग्रुप मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ 500 रुपीस में ये बुकिंग ओपन हो जाती है। बाकी इनके द्वारा केदारनाथ के लिए भी यात्रा का बुकिंग ओपन हो चुका है, दार्जिलिंग के लिए बहुत जल्दी बुकिंग ओपन होने वाला है, गोवा, नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम और भी बहुत सारे बुकिंग ओपन होने वाले हैं। तो इनके साथ ज्वाइंट कीजिए यहाँ पे बुकिंग करके और मजे लीजिए दोस्तों के साथ घूम फिर के। इधर का काम तो लगभग हो गया है, सब कुछ समेट लेते हैं और फिर सोचेंगे आगे का। आगे समेट लेता हूँ यार तुरंत, फिर उसके बाद ये वीडियो एंड करूँगा। सो आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। ये कैंपिंग का, ये राइड का पहला सोलो कैंपिंग था। ऐसे तो चंडीगढ़ में मैंने कैंप लगाया था, बट उसको कैंपिंग नहीं बोलेंगे, वो बस रुकने के लिए, जो मैं हमेशा करता हूँ। तो ये पहला कैंपिंग था इस लद्दाख राइड 2024 का। बाकी यहाँ से अब निकलते हैं, यहाँ से अब दो कंडीशन बन रहा है। पहला बारालाचला पास, जो कि मेरा प्लान में था बारालाचला होते हुए ले जाने का। अगर बाय चांस जो सुनने में आ रहा है कि बारालाचला पास बंद है, तो फिर आगे का कहानी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को रखते हैं, आपको कैंपिंग कैसा लगा बताइएगा, आगे और भी कैंपिंग आपको मिलेगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। इसीलिए लाइक कर देना एंड सबको बताओ या शेयर करके कि बंदा कैंपिंग कर रहा है सोलो, और सब्सक्राइब करके रख लो। चलो बाय।